जब हम लोग इस संसार में पैदा होते हैं तो हम सभी लोग निश्चल रहित पैदा होते हैं। हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, हमें कुछ नहीं पता होता है। लेकिन इस भौतिक संसार की ऐसी आंधी लगती है हमको कि इसी संसार में रह करके कोई चोर बनता है, कोई डाकू बनता है, कोई लुच्चा बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई बहुत अच्छा दार्शनिक बनता है, कोई बहुत अच्छा धर्मात्मा बनता है। तो इसी संसार में रह करके इसी संसार की ऐसी आंधी लगती है हम लोग। बात क्या है कि हम लोग इतने हठी, इतने दुराग्रही हो गए हैं ना कि हम किसी की बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें ये लगने लग गया है कि अगर मैंने कह दिया तो गलत हो ही नहीं सकता है, भले ही मुझे कुछ नहीं आता हो, लेकिन अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ वो बात कोई झूठी कह दे तो हो ही नहीं सकता है। अगर वो मैंने कहा है इसका मतलब वो 100% प्रमाणिक है। बात क्या हो गई है कि हम अपने बुद्धि से ऊपर उठ के सोचते नहीं है। जिस दिन हम लोग अपनी बुद्धि से ऊपर उठ के सोचने लग जाएंगे उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, वो कहानी सुनने के बाद आपको सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। होता क्या है कि एक शिष्य होते हैं, अपने गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी के पास जाकर के हाथ जोड़ के बैठते हैं और गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी कुछ धर्म की शिक्षा दीजिए। तो गुरुजी कहते हैं, बेटा ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वरक्षक है, सर्वनियंता है, सारी चीज़ों को वही नियंत्रित करता है, वो घट घट में व्यापक है। इतनी बातें कर रहे होते हैं तब तक गुरुजी को कोई कार्य लग जाता है और गुरुजी चले जाते हैं। गुरुजी चले जाते हैं, शिष्य जो आ रहे होते हैं अपने गुरुजी के आश्रम से, तो रास्ते में वो आते हैं तो एक हाथी होता है, रास्ते में एक हाथी मिलता है। वो हाथी बहुत गुस्से में होता है, तो जो ऊपर जो महावत बैठा होता है, जो हाथी को चला रहा होता है, वो चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि हट जाइए, हाथी पागल हो गया है, हाथी क्रोध में है बहुत, सभी लोग रास्ते से हट जाइए। तो जो अन्य लोग थे वो तो डर के मारे भाग गए, लेकिन ये महात्मा जी जो अपने गुरुजी से शिक्षा लेकर के आए थे, इन्होंने सोचा कि हर जगह अगर ईश्वर है तो हाथी में भी ईश्वर होगा, ईश्वर मेरी रक्षा करेगा। वो महात्मा जी ये बात सोच करके वहाँ से नहीं हटे। जब वो नहीं हटे तो हाथी गुस्सा में आया और उन्हें पकड़ करके सूंड में लपेट के फेंक दिया, उनके हाथ पैर टूट गए। जब हाथ पैर टूट गए तो वो हॉस्पिटल में भर्ती थे तो उनके गुरुजी उनसे मिलने आए। जैसे गुरुजी आकर के बैठते हैं तो शिष्य कहता, अरे गुरुजी तुमने तो मरवा दिया। गुरुजी कहते हैं, बेटा मैंने क्यों मरवा दिया? कहते हैं, गुरुजी तुमने ही तो कहा था ईश्वर सर्वव्यापक है, और इस सर्वव्यापक के चक्कर में आज हमारी ये हालत हो गई। तो उन्होंने कहा कि अरे महामूर्ख, मैंने ये कहा था ईश्वर सर्वव्यापक है, तूने हाथी में तो देख लिया कि ईश्वर सर्वव्यापक है। वो जो महावत ऊपर बैठ के चिल्ला रहा था बार बार कि सभी लोग हट जाइए, हाथी गुस्सा में है, हाथी पागल हो गया है, क्या तुझे उसमें ईश्वर नहीं दिखाई दिया? कि जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो उस महावत में भी तो जो ऊपर बैठ के चिल्ला रहा है कि हाथी पागल हो गया है, उसमें भी तो तुझे ईश्वर देखना चाहिए था, कि या केवल तूने हाथी में ईश्वर देख लिया? यही स्थितियाँ हमारी हो गई है कि हमारी जो बुद्धि वो बड़ी सामान्य है, हम उससे सोच नहीं पाते हैं। हम कुछ को कुछ सोच लेते हैं, कुछ को कुछ समझ लेते हैं। जब तक हम किसी भी बात की यथार्थता को नहीं समझेंगे तब तक जीवन की सार्थकता नहीं है, तब तक हम चीज़ों का अलग अलग अर्थ निकालते रहेंगे। अब वो समझा जब जा सकता है। ईश्वर के प्रति विश्वास करना अत्यंत आवश्यक है, करना भी चाहिए, करना ही चाहिए, नहीं करना ही है, लेकिन पहले हमें ईश्वर को समझना तो पड़ेगा कि ईश्वर है क्या, असल में उसका स्वरूप क्या है, असल में ईश्वर है क्या, वो चाहता क्या है, और हम कर क्या रहे हैं, मतलब इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। और ये सामान्य बुद्धि से संभव नहीं है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ का क्या अर्थ निकाल लेते हैं पता नहीं चलता है। उसके लिए हमें किसी दार्शनिक, किसी गुरु के पास, किसी अच्छे विद्वान के पास बैठ करके, या किसी ऐसे धर्म ग्रंथ गीता आदि को पढ़ करके, वेदों को पढ़ करके हमें समझना होगा कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, तब उस पर विश्वास कि हम अगर असल में जिस विश्वास को हम विश्वास समझ रहे हैं क्या वो विश्वास है, कहीं ऐसा तो नहीं ना कोई और चीज़ है वो। तो इतना हमें जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते हैं, और हमें अपनी बुद्धि से, हमें अपने पेट से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।